हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का 7, 8 और 9 वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि अगर आगे की भी सॉल्व हो जाए, ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो, तो आगे के भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे या किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहे, तो सारे वीडियोज़ का लिंक प्लस मैं जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसके लिए जो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो हमको इक्वेशन दिए हुए हैं ना, इनसे एक्स की वैल्यू कैसे निकालना है, आइए सीख। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखो, यहां पर अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे तो कोई फॉर्मूला तो काम कर नहीं रहा है तत्काल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करने के लिए कुछ आइडेंटिटी वगैरह बनाएंगे। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पहले फैलाएंगे फिर कटपिट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, हमारे पास 2 के पावर में 2x है ना, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर में x और पूरे के पावर में 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 2x ही बनने वाला है। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले समझा रखा है, जैसे a के पावर में m इनटू में पावर में पूरा n होता है, तो ए पावर में एम इंटू एन हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। ओके, सेम टू सेम इधर भी करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर में x और मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 3 लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अलग अलग है, इसका मतलब कि ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि जैसे अगर हमारे पास 2 के पावर में x रहे और 2 के पावर में 3 रहे, तो सॉल्व होने के बाद ये 2 के पावर में x+3 ही बनता है। तो ये x+3 पहले था, हमने उसको क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया दोनों को। उसके बाद यहाँ पर 2 के पावर में जो 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर और पूरे पावर में 2 बना देता हूँ। इक्वल टू साइड में जो 0 है इसको एज इट इज़ अभी रहने दो, इसको रहने दो, इसको थोड़ा सॉल्व करो। ये देखो मेरा अभी ए का स्क्वायर बन गया है और ये बी है, बी का स्क्वायर बन गया है। बीच में अपने को 2ab बनाना है। कैसे बनाएंगे वो समझो। ये हो गया 2x का स्क्वायर माइनस में 2 के पावर में x हो गया। ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो मैं इसको 2 × 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 के पावर में 1 और 2 के पावर में 2 इक्वल टू 3 हो जाता है टोटल प्लस होने के बाद। और फिर यहाँ पर हमारे पास 2 के पावर में यानी 2 का जो स्क्वायर है उसके पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा ए का स्क्वायर है, ये मेरा बी का स्क्वायर है, बीच में हमारा -2ab है। ये अगर मैं आगे पीछे इसको लिखूं तो 2 मेरा पहले लिखा सकता है, फिर उसके बाद मैं 2x को लिख सकता हूं और उसके बाद मैं 2 का स्क्वायर को लिख सकता हूं। तो ये 2 ये a हो जाएगा, a की जगह हम देखो 2x है, और ये b हो जाएगा, b की जगह पे 2 का स्क्वायर है, तो 2ab बन गया ना। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, कौन सा, तो a - b का होल स्क्वायर वाला। हम लोग वो भी लिख भी देंगे कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a² - 2ab और प्लस में b² के। तो यहाँ पर हमारा a की जगह में क्या भैया, तो 2x है, तो एक जगह में 2x लिखो। माइनस में हमारे पास बी के जगह में क्या है, तो 2 का स्क्वायर है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, पूरे का स्क्वायर इक्वल टू सेट में 0 कर दो। अब स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो, तो सामने वाले नंबर जो 0 है उसको रूट में ले लेगा, और 0 रूट में यानी कि 0 ही होता है। तो स्क्वायर को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर गैप कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर इधर जाकर के खेल खत्म हो गया इस स्क्वायर का। अब यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 2 वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2x = इधर -2² था, इधर आकर के +2² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2x एक्चुअल में नहीं था यार, ये मैं जो गलती से 2x हर जगह लिख रहा हूँ, ये मेरा 2 के पावर में x था, सॉरी बच्चों ना, इसको आप लोग दिमाग में रखना कि 2 के पावर में ये x है, ये ऐसे होगा। तो 2 के पावर में x रहेगा, तो उससे होगा ये कि यहाँ भी बेस सेम है, तो दोनों को आपस में ऐसे कैंसिल कर दो, बच जाएगा x, इधर बच जाएगा 2, तो x = 2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। जहाँ जहाँ भी मैंने 2x लिख दिया ना गलती से, उसको आप लोग 2 × x कर देना। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन होगा पहला वाला वो कंप्लीट होगा। x का वैल्यू यहाँ से 2 निकल करके आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन, जहाँ पर हमें 3 × 2x + 4 दिया हुआ है +1 है, इक्वल क्वेश्चन में 2 × 3 के पावर में x + 2 है। देखो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला में इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, इधर x + 2 है ना, तो इसको भी x + 2 बनाओ। देखो यहाँ हम लोग x + 2 अगर बनाएंगे तो हमको पूरे का फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर और ये x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, साथ ही साथ ये स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, इस टर्म में लिख दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इस वाला जो हमारा ये जो पूरा टर्म है ना, इसको लेफ्ट में ले आओ ताकि फॉर्मूला के टर्म पे हो जाए। तो इधर ये सब प्लस में है, तो इधर आकर के माइनस में हो जाएंगे, 2 × 3 के पावर में x + 2। ठीक है, और फिर प्लस में जो 1 है वो तो है ही, ये वाला +1, इक्वल के राइट में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा फिर से फॉर्मूला बन गया। इसको मैं कैसे फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो ये मेरा बन गया है a, ये जो 3 के पावर में x + 2 है ये पूरा a हो गया, उसका स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस में 2ab। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ इसके साथ तो मैं एक 1 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, क्योंकि b की जगह मेरे पास 1 है, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो उससे होगा यार, ये मेरा a का स्क्वायर हो गया, ये मेरा b का स्क्वायर हो गया, माइनस
टू ए बी बन गया, क्योंकि मल्टीप्लाई वन लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, और वन का स्क्वायर करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, वन ही कहलाता है। तो बस हम लोग इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में उतार देते हैं। तो ए की जगह पर हमारे पास 3 के पावर में x+2 है, और माइनस में बी के जगह पर हमारे पास 1 है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया इस तरीके से। अब यहाँ से हम जानते हैं स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे रूट में आ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा स्क्वायर का, बचेगा हमारे पास 3 के पावर में x+2 माइनस में 1 इक्वल टू साइड में 0। पहले माइनस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 3 के पावर में x+2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दे देंगे कि हमारा डायरेक्ट तो अब ये सॉल्व हो नहीं रहा है, तो जैसे क्वेश्चन में 4 में आपने सॉल्व किया था वही वाला यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। ये जो 3 है सॉरी यानी जो 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 3 के पावर में कोई अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही हो जाता है, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 के पावर में x+2 इक्वल टू 3 के पावर में 0। इससे फायदा ये होगा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा x+2 इक्वल टू 0, ये वाला 0। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो 2 को ट्रांसफर कर दो, तो x = -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो पिछले बार डायरेक्ट ये कट हो गया था, इस बार कट नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने उसको क्या किया 3 के पावर में 0 करके 1 को बना दिया। चलिए जो लास्ट पार्ट है उसे सॉल्व करें। तो ये हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ 1/8 है, तो हम लोग क्या करेंगे इन सभी को 2 बनाएंगे। साथ ही 0.5 जो है इसको भी मैं 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.5 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ये बन जाएगा मेरा 2 के पावर में 2 पूरे के पावर में x-1 मल्टीप्लाई में इसको मैं लिखूंगा 1/2 पावर में 3-2x, और इक्वल के उस साइड में भी हमारे पास 1/2 के पावर 3 और पूरे के पावर में x, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला लगाने वाले हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर माइनस वाला नंबर होता है, -1 होता है, तो वो हमारा 1/a हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाता है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर अगर 4 है तो वो 4/a हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 1 है तो मैं 1 ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, a के पावर में अगर -1 है तो वो 1/a हो जाएगा। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में 2x माइनस में 2 × 2। इधर हमारे पास ये देखो 1/2 है, यानी कि 2 के पावर में 1 छुपा हुआ है, तो इसको अगर जब मैं उल्टा करूँगा, अगर देखो इस तरीके से है तो इसको ऐसे किया जा सकता है, अगर इस फॉर्म में तो उसको ऐसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर 1/2 के पावर में 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में -1 इस तरीके से। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आने वाला था, तो हमने इसको क्या किया उल्टा कर दिया। फिर पूरे के पावर में जो हमारे पास 3-2x है उसको एज इट इज़ उतार दो, इक्वल टू साइड में भी सेम काम करो कि ये हमारा 1/2 के पावर में 3 है ना, तो 2 के पावर -3 कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा, और पूरे के पावर में जो x है उसको एज इट इज़ उतार दो। अब ये सभी देखो 2 2 2 बन गया। अब हमारा ये फटाफट सॉल्व होगा, 2 के पावर में 2x - 2 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई होगा तो देखो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर 2 के पावर में मैं डायरेक्ट 2x पहले लिख देता हूँ, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 × 3। तो मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया और बाद में माइनस वाले को लिख दिया, ताकि हमारा बाद में अलग से करना पड़े इस काम को। इधर हमारे पास 2 के पावर में -3x हो जाएगा। अब पहले इसको सॉल्व कर लो आप लोग, तो यहाँ से हमारा बेस सेम टू सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2 के पावर में 2x - 2 प्लस में 2x - 3 इस तरीके से ऐड हो गया, इक्वल को साइड में 2 के पावर में जो -3x है उसको एज इट इज़ रहने दो। हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, a^m (a^n) इक्वल टू a^m + n, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। तो 2 के पावर में 2x हमारा 4x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस की रहेगी, और ये 5 हो जाएगा 3 और 2, इक्वल को साइड में 2 - 3x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 4x - 5 इक्वल टू साइड में -3x। तो यहाँ से अब हम लोग x को एक तरफ कर लेते हैं, 5 को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इधर आकर के हमारा प्लस में हो जाएगा, तो 4x + 3x इक्वल टू साइड में प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस वाले इधर जाकर के, तो ये हो गया 7x = 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/7। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट हो इंस्टाग्राम इधर पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो 8th वाला क्वेश्चन है वहाँ पर हमें बोल रहा है कि अगर 49,392 इक्वल टू a^4 b का स्क्वायर एंड c का क्यूब हो, तो a, b और c का वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ से कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो कम से कम फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, तो हम लोग साइड में जल्दी फैक्टर निकालेंगे इसके। 49392 है, लास्ट में 2 है तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 1 आगे जाएगा तो 2 6 = 12, फिर 1 आगे जाएगा तो 2 9 = 18, फिर 1 आगे जाएगा तो 2 6 = 12, फिर 2 से हो रहा है 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6,
टू फोर जै एट हो जाएगा, वन आगे गया तो टू एट जै सिक्सटीन हो गया, फिर टू से हो रहा है टू सिक्स जै ट्वेल्व हो जाएगा यहाँ पर, फिर टू वन जै टू होगा, वन आगे जाएगा तो टू सेवन जै फोर्टीन और टू फोर जै एट। कंटिन्यू करो टू से, टू थ्री जै सिक्स, यहाँ पर अब दो डिजिट लेना पड़ रहा है तो पहले जीरो लगाएंगे, उसके बाद अब दो डिजिट हम लोग ले सकते हैं, तो टू का टेबल में हमारा एट टाइम पर सिक्सटीन आ जाएगा, उसके बाद वन आगे जाएगा तो टू सेवन जै फोर्टीन हो जाएगा। फिर टू से करो, टू वन जै टू हो गया, वन आगे जाएगा तो टू फाइव जै टेन, टू फोर, अरे यार नहीं नहीं इस बार टू से नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में सेवन है, तो थ्री से चेक कर लेते हैं थ्री से होगा कि नहीं, तो सेवन और थ्री टेन और एट प्लस करेंगे तो एटीन होता है, और एटीन जो है वो थ्री के टेबल में आता है नहीं, थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो थ्री से करेंगे, थ्री वन जै थ्री हो गया। यहाँ पर अब हम लोग को जीरो को उतार लेना इस तरीके से, फिर थ्री टू जै सिक्स हो जाएगा, यहाँ पर से दो आगे जाकर के इसको ट्वेंटी सेवन बना देगा, तो थ्री नाइन जै ट्वेंटी सेवन हो गया। फिर ये थ्री से जा रहा है क्या, तो नाइन और वन टेन और टू ट्वेल्व, बिल्कुल थ्री से जा रहा है, थ्री थ्री जै नाइन हो जाएगा, वन आगे गया तो थ्री फोर जै ट्वेल्व और थ्री थ्री जै नाइन। अब तो हम जानते हैं थ्री फोर्टी थ्री जो है वो सेवन से ही कट होता है, तो हम डायरेक्ट तो सेवन से उड़ाएंगे क्योंकि अभी थ्री से होगा भी नहीं, सेवन के टेबल में सेवन फोर जै ट्वेंटी एट हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर जैसे सिक्स जो आगे जाकर इसको सिक्सटी थ्री बना देगा, तो सेवन नाइन जै सिक्सटी थ्री हो जाएगा, फिर सेवन सेवन जै फोर्टी नाइन और सेवन वन जै सेवन हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, टू हमारा कितने टाइम है, वन टू थ्री फोर टाइम है, तो टू के पावर में फोर मल्टीप्लाई, थ्री दो टाइम है तो थ्री के पावर में टू मल्टीप्लाई, सेवन थ्री टाइम है तो सेवन के पावर में थ्री इक्वल के उस साइड में हमारा ए का फोर, बी का स्क्वायर और सी का क्यूब है। तो अगर आप कंपेयर करके देखो तो टू का फोर है और ए का फोर है, दोनों के पावर में फोर है, यानी कि ए का जो वैल्यू है वो कितना है, टू है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो आप लोग ए का वैल्यू टू होगा। उस तरीके से बी का स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर है, इसका मतलब बी का जो वैल्यू होगा वो थ्री होगा, सी का क्यूब है और सेवन का क्यूब है, यानी कि सी का वैल्यू जो होगा सेवन होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एट भी सॉल्व। तो इस तरीके से आपको करना, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो फटाक से फैक्टराइज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, यहाँ पर बस हमको क्या किया है, पावर को ए और बी और सी बना दिया है, पिछले बार बेस जो था वो ए बी सी था, इस बार पावर ए बी सी है, तो हमको क्या करना है, फिर से उसी टाइप से फैक्टराइज करके इसके पावर्स देख लेने हैं। तो 1176 है, 2 से हो रहा है डिवाइड, 2 से करेंगे, 25 जै 10, 1 आगे गया 28 जै 16, फिर 1 आगे गया फिर 28 जै 16, फिर 2 से हो रहा है 22 जै 4, 1 आगे गया 29 जै 18, 24 जै 8, फिर 2 से हो रहा है 21 जै 2, 24 जै 8, 1 आगे जाएगा तो हमारा बन जाएगा 14, तो 27 जै 14। अब 2 से नहीं होगा तो 7 और 1 हमारा 8 और 4 जो होता है 12 होता है, तो 3 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 3 का पावर दिया है यानी कि 3 से डिवाइड पक्का होगा, 3 का टेबल में 3 4 जै 12 हो जाएगा, 2 आगे जाएगा तो 3 9 जै हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा 7 से जाने वाला है, 7 7 जै 49 और 7 1 जै 7, तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर में 3 इंटू 3 का पावर में 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इंटू 7 का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में 2 के पावर में a इंटू 3 के पावर में b इंटू 7 के पावर में c। तो इसलिए यहाँ पर हमारा हमारा देखो यहाँ पर 2 2 कॉमन मिल रहा है, यानी कि a का जगह में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो a का वैल्यू जो होगा 3 हो जाएगा, b का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा और c का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, तो c इक्वल टू 2। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपके दिमाग में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।